रविवार को वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा। कई सालों तक चली प्रक्रिया के बाद दोपहर 2 बजे पोप ने आधिकारिक रूप से उनके संत होने की घोषणा कर दी। ये प्रक्रिया उनके दूसरे चमत्कार के बाद शुरू हुई थी। पोप फ्रांसिस ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर मदर टेरेसा के बनाए रास्तों पर चलने की सलाह दी। मदर टेरेसा को अब संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। भारत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय डेलीगेशन और दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक दल वेटिकन सिटी में आयोजित समारोह में शामिल हुआ। 20 देशों के समूह G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, फिर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रुप फोटोग्राफी हुई। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिले। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिले। G20 सम्मेलन से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच मतभेद का विषय बने मुद्दों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा रहा, जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। सीडी कांड के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार से दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में संदीप कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। राजधानी की सियासत में इन दिनों एक सेक्स सीडी ने भूचाल मचा रखा है। सेक्स सीडी में दिखाई दे रही महिला के सामने आने के बाद शनिवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में संदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें फंसाया जा रहा है। संदीप की माने तो उनकी छवि खराब करने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई है। कथित वीडियो में दिख रहे शख्स वो नहीं है। आरोपी संदीप कुमार ने वीडियो की फोरेंसिक जांच की मांग की ताकि सच सभी के सामने आ सके। राजस्थान की वसुंधरा सरकार को पूर्व राजघराने के आगे झुकना पड़ गया और पुलिस अधिकारियों के भारी बल के साथ राजमहल पैलेस के जिस दरवाजे को सील कर गार्डों की फौज तैनात की थी उसे खोल दिया गया है। इससे पहले शनिवार रात को मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली से भेजे गए बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री सोहोदान सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व राजघराने की राजमाता पद्मभनी देवी के बीच सीधे बातचीत कार्रवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में ही राजमाता पद्मभनी देवी से ही बयान दिलाया गया कि वो वसुंधरा राजे से मिलकर संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी। दरअसल राजमहल पैलेस को तोड़ने को लेकर राजघराना और वसुंधरा राजे में छिड़ी जिस विवाद को बीजेपी कानूनी मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी, उसका सियासी हल निकालने में वो 2 दिनों से लगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि अब पंजाब चुनाव की बागडोर वो खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। इटली में मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए केजरीवाल ने पंजाबी समुदाय के साथ मुलाकात करते हुए पंजाब के युवाओं को जारी संदेश में ये बातें कही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं 8 तारीख को पंजाब आ रहा हूं, 11 तारीख तक वहां रहूंगा, फिर मुझे 13 तारीख को 10 दिन के लिए ऑपरेशन के लिए जाना है, फिर मैं वापस आऊँगा और अब पंजाब चुनाव की बागडोर मैं सीधे अपने हाथ में ले रहा हूँ। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाल ही में पंजाब में पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को पद से हटाए जाने और टिकट बंटवारे से नाराजगी के चलते पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गृह मंत्री राजनाथ की अगुवाई में 30 सांसदों की सर्वदलीय टीम ने श्रीनगर पहुंचकर बैठक शुरू कर दी है। 2 दिन के दौरे में ये सांसद अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य कश्मीर के बिगड़े हालातों को सामान्य बनाना है। घाटी में पिछले 2 महीनों से कर्फ्यू लगा है। इस दल में 20 पार्टियों से ज्यादा पार्टियों के सांसद हैं, जिनमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, रामविलास पासवान, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी,
और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। ये सभी नेता कश्मीर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और शांति का कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में पैदा हुए हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 58वें दिन भी कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। हिंसा में मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच गई है। रविवार को शोपिया में प्रदर्शनकारियों ने मिनी सचिवालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़प जारी है। इस झड़प में करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को अनंतनाग जिले के काजी गुंड के वेसू क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में एक नागरिक की मौत हो गई। झड़प में करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पिछले 58 दिनों से चल रही हिंसा के बीच करीब 10,000 लोग घायल हो चुके हैं। मोस्ट वांटेड आतंकी और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर में किसी तरह के शांतिपूर्ण समाधान में अड़चन डालने की कसम खाई है। सलाहुद्दीन ने धमकी दी है कि वो घाटी को भारतीय सैनिकों की कब्रगाह बना देगा। उसने कहा कि वो कश्मीरियों को सुसाइड बॉम्बर्स बनाएगा जो घाटी को भारतीय फौजों का कब्रगाह बना देंगे। साथ ही उसने इस लड़ाई को कश्मीर से बाहर ले जाने की भी बात कही। बातचीत को व्यर्थ बताते हुए सलाहुद्दीन ने कहा कि आतंकवाद के अलावा कश्मीर का कोई समाधान नहीं है। कश्मीरी नेतृत्व, लोगों और मुजाहिदीन को पता होना चाहिए कि वहां कोई औपचारिक शांतिपूर्ण रास्ता नहीं है। सलाहुद्दीन ने कहा कि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में आंदोलन महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है। उसने कहा कि जब तक भारत कश्मीर को एक विवादित नहीं मानेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के हांगझोंग पहुंचे पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। 3 महीने के भीतर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में उन्होंने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर मुलाकात की थी। शनिवार को चीन पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मोदी के आगमन के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, हनोई में सुबह, हांगझोंग में रात। वियतनाम के 2 दिवसीय दौरे के बाद मोदी यहां पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच मतभेद का विषय बने मुद्दों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चीनी दूतावास में हुए विस्फोट की निंदा की। पीएम मोदी ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत वियतनाम दौरे पर कई अहम संकेत दिए। पीएम ने बौद्ध मठ पगोड़ा गए और वहां बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। पीएम ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध 2000 साल प्राचीन है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग यहां युद्ध का उद्देश्य लेकर आए, हम बुद्ध के शांति के संदेश को लेकर आए जो आज भी कायम है। उन्होंने कहा, जो युद्ध लेकर आए वो मिट गए, जो बुद्ध लेकर आए वो अमर हो गए। बुद्ध की शांति, बुद्ध ही शांति का मार्ग दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, बम बंदूक वाले वियतनाम से सीखे कि युद्ध से अधिक परिवर्तन बुद्ध लाता है। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म का भारत से वियतनाम पहुंचना और वियतनाम में 4 हिंदुओं के मंदिरों के स्मारक का होना इस संबंध की पुष्टि करता है। कश्मीर घाटी में प्रदर्शनकारियों पर अब पैलेट गन के बजाय मिर्ची पाउडर वाले पावा गोले का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर जाने से एक दिन पहले इस पर सहमति दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन के बजाय अब नोनी वेमाइड यानी पहला गार्निक एसिड वेनाइल एमाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज तकरीबन 1000 गोले कश्मीर पहुंच जाएंगे। पिछले महीने 24 और 25 अगस्त को कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री ने कहा था कि सुरक्षा बलों को पैलेट गन का विकल्प जल्द ही दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शनिवार को झाड़ू लगाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत माकली नाथन का आयोजन किया गया था। अमिताभ इस अभियान के एम्बेसडर है। जे अस्पताल के बाहर कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ फडणवीस और बच्चन भी झाड़ू लेकर उतरे।
सीएम ने कहा 2 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के 50 शहर स्वच्छ हो जाएंगे। अब राज्य में 7000 गांव खुले में शौच मुक्त है। वहीं अमिताभ बच्चन ने कहा अगर आप किसी को गंदगी करते देखें तो जाकर उसे रोकें, उन्हें बताएं कि वे क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप बार बार टोकेंगे तो लोग जरूर बदलेंगे। यूपी के रामपुर के स्वार में नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के बादशाह को कमजोर और बुजदिल करार देते हुए कहा कि देश के रखवालों के दुश्मन देश जहां सिर काट रहा हो, वहीं देश का बादशाह पाकिस्तान जाकर देश के दुश्मन की मां को कश्मीरी शॉल भेंट कर उसके पैर छू रहा है। अगर उन्हें बादशाह बना दिया जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हिंदुस्तान में होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पूंजीपति ने देश के बादशाह को अपना एम्बेसडर बनाकर कारोबार की दुनिया में बेच दिया है, ये शर्म की बात है। गीतकार जावेद अख्तर ने 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़ास निकाली है। जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा मैं 3 तलाक को सही ठहराने पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वे अपने ही समुदाय के सबसे बड़े दुश्मन है। गौरतलब है कि बोर्ड ने 3 तलाक को सही ठहराया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि पर्सनल लॉ को सामाजिक सुधार के नाम पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता। तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अलगाववादी नेताओं की सहायता करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आसिफ अली जरदारी की सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मंत्री रहे रहमान मलिक ने भारत पर अलगाववादियों की मदद करने का आरोप लगाया है। रहमान मलिक ने कहा कि बलूचिस्तान में बंगाल विभाजन के समय हुई पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति बन रही है। इस स्थिति में पश्चिमी देशों का संरक्षण प्राप्त कर भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुक्त वाहिनी की भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश कट्टरपंथी जमात इस्लामी के मुख्य फाइनेंसर और मीडिया हस्ती मीर कासिम अली को फांसी दे दी गई है। कासिम को 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के दौरान गलत भूमिका को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कासिम को फांसी देने का अंतिम आदेश जेल अधिकारियों को सौंपा गया था। फांसी से जेल अधिकारियों ने कासिम अली मीर के परिवार को अंतिम बार मिलने के लिए बुलाया था। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ढाका के बाहरी इलाके में मौजूद कासिमपुर केंद्रीय कारागार में कड़ी सुरक्षा के बीच कासिम को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। We'll be right back.